उनके व्यूवर्स, आज हम करने जा रहे हैं होंडा सिटी जो फोर्थ जनरेशन है फेस अपलिफ्ट, उसका एक डिटेल रिव्यू। आपको पता है ये जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गाड़ी ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स पाकिस्तानी मार्केट में आती रही है। इस पर सिर्फ स्लाइटली चेंजेस आई थी, जो इसको फेस अपलिफ्ट किया था 2017 में, आई थिंक हाँ 17 में किया था, थोड़ा बहुत स्लाइटली ग्रिल वगैरह में चेंज करके, और दैट्स इट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस गाड़ी के क्या प्रोज कॉन्स हैं और क्या इसके डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं जो इस लीग में इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, और बाकी इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट और इसकी फ्यूल एवरेज सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस गाड़ी की एक जिसे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है ना। ये गाड़ी होंडा सिटी थर्ड जनरेशन फेस अपलिफ्ट, और ये जो जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं ये 2021 का वेरियंट है, और इसमें तीन चार आते थे। इसमें 1.3 था, 1.3 प्रोसमेटिक था, इसमें उसके बाद 1.5 था एस्पायर, उस पर एस्पायर में ऑटोमेटिक एक अलग था, ठीक है ना। तो इसमें टोटल चार वेरिएंट आते थे। जो हम इसका रिव्यू करें ये 2021 का जो है बेस वेरिएंट है 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन वाला। सो अब मैं आप थोड़ा सा इसको इंजन परफॉर्मेंस का आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी में फोर सिलेंडर EFI इंजन आता है, जो कि होंडा का बड़ा वेल नोन इंजन है, और बड़ा काफ़ी गाड़ियों में BRV में आपको ये मिल जाता है इसमें, ठीक है ना। जो 1.5 वाला है सेम आपको BRV मिल जाता है, मतलब बड़ा पावरफुल इंजन है इसमें। जो गाड़ी ये प्रोड्यूस करती है, जो प्रोड्यूस करती है ये है 128 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसका जो हॉर्स पावर है वो 100 हॉर्स पावर है, ठीक है ना। इसके अलावा इस गाड़ी में ये थोड़ा सा अपने लीक से क्यों बाहर जाती है, ये है बेसिकली इसका जो इंजन है वह है 1339 CC, जो कि अगर आप इन केस ऑफ मतलब पाकिस्तानी टैक्स और टैक्सेशन के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि जो इसमें सेम लीक में आती थी GLI XLI वो होती थी 1295, तो उसमें जो आपका जो एक्साइज टैक्स है उसमें थोड़ा सा कम आ जाता है ना। ये अब 1300 वैसे कहने को तो 1.3 लीटर है, लेकिन ये 1339 मतलब कि उस ब्रैकेट को थोड़ा सा क्रॉस कर जाती है, तो इस वजह से इस पर थोड़ा सा टैक्स इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। खैर ये तो एक वो जनरल वो थी। तो बाकी इस गाड़ी का अब स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सटीरियर लुक दिखाता हूँ। ये गाड़ी फेस अपलिफ्ट की गई थी, उसके बाद जो इसमें चेंजिंग की गई थी, ठीक है ना। उसमें ये एक जो ग्रिल थी पहले इसकी एक प्लेन आती थी, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रोम की और एम्बेड करके बड़ी वाइट सी ग्रिल बना दी गई थी। सबसे जो आपके अट्रैक्टिव जो चीज़ है इसकी ना फ्रंट एंड पे, वो इसकी सबसे प्रोनाउंस्ड ग्रिल है, और इसके साथ ही आपको होंडा का जो बैजिंग मिल रही है ये चीज़ है। बाकी अगर आप इसके थोड़ा सा साइड पे मूव करें तो इसकी जो हेडलाइट है पर्सनली मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी अट्रैक्टिव और एक आई शेप में है, थोड़ा सा ना कर्व्ड। और इसमें आती सिर्फ हैलोजन्स हैं, इसके अंदर LED वाला कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब कि जो हैलोजन सिर्फ हेडलैम्प थे उसके साथ। यहाँ पे आपको जो पार्किंग इसके जो लाइट्स हैं साइड इंडिकेटर्स इसको आप कह लें वो आपको मिल जाती हैं। उसके साथ नीचे इस गाड़ी में यहाँ में आपको हैलोजन ही फॉग लैम्प मिलते हैं, ठीक है ना। उसके साथ अगर आप यहाँ नोट करें तो ये एक ब्लैक सी गार्निशिंग है, एयर इनटेक की, ये पूरा सा जो प्लेन एरिया है। बाकी इसका जो जो एक्सटीरियर में जो फ्रंट साइड है वो पर्सनली बड़ी एलिगेंट और बड़ी खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनल, अगर मेरा एक ओपिनियन है। अगर जो आप पहले एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, ये सारी होंडा में आपको मिल जाता है, इसके बम्पर में ये बेसिकली होता है प्लग, मतलब गाड़ी को हुक करने के लिए प्लेसिंग की गई होती है। इन केस अगर आपने टो कर दी हो गाड़ी तो ये थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी में थोड़ा प्लस पॉइंट होता है। बाकी अगर आप इस गाड़ी के हुड पे बात करें तो इसका जो हुड है उसमें आपको दो करेक्टर लाइन स्ट्रेट मिल रही हैं, यही चीज़ आपको फॉलो कर रही है बैक एंड तक। बाकी पर्सनली प्लेन बोनट है, बाकी ज़्यादा कर्व्स नहीं है इस गाड़ी में। साइड प्रोफाइल पे मूव करते हैं, इसकी साइड प्रोफाइल पे आती है। सबसे पहले जो चीज़ नोट करने वाली इसका जो है टायर प्रोफाइल, इसका जो टायर प्रोफाइल है वो हमें मिल जाता है इसमें जो 14 इंच का, और जो टायर साइज़ है उसका ये है पड़ा इसका 175/65R15 का, जिसमें टायर साइज़ है ये यूरोस्टार कंपनी का लगा हुआ है। मेरा ख्याल है जो इसका जेन्युइन है वो भी यही लगाता था। जिस गाड़ी का हम रिव्यू कर रहे हैं ये बहुत ही लो माइलेज कार है। अगर हम आगे आएँ तो इसके जो साइड मिरर्स हैं ये बॉडी कलर मैच्ड हैं, और उसके साथ हमें जो मिरर्स के ऊपर जो इंडिकेटर्स हैं साइड वो भी मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पे एक ब्लैक सा गार्निशिंग है, ठीक है ना। इसको मज़ीद ही बेहतर किया जा सकता है मेरी नज़र में, क्योंकि इसमें अगर ये पियानो बैक ब्लैक टच दे देते या इसकी जो क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर कर लेते तो ज़रा लुक में एक थोड़ा एनहांस आ जाता। अगर आगे हम नोट करें तो इसमें जो डोर हैंडल्स हैं ये भी हमें क्रोम टच मिल रहा है, जैसे कि इसमें फेस अपलिफ्ट में जो फ्रंट एंड का था सेम थोड़ा सी क्रोम टच यहाँ भी दिया गया है इस गाड़ी के अंदर।
बाकी अगर आप आगे नोट करें इस गाड़ी का, तो एक साइड लुक है मैं आपको दिखाता हूँ, ये थ्रू आउट आप देख रहे होंगे। इस गाड़ी में जस्ट आपको एक जो है ये एक स्पोर्टीनेस तरह से लुक देने के लिए इसको थोड़ा सा ये इन्होंने ऐड किया है साइड पे एक टच देने के लिए जो सेम बॉडी कलर में है। हम पीछे इसके बैक प्रोफाइल मूव करते हैं। इससे पहले सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान में कामयाबी की जमानत शार्क फिन एंटीना तो हम भूल ही गए थे ना, इसको तो हम मिस कर ही नहीं सकते, जो यहीं से तो फेमस हुआ था, इसका फेमस होने का राज यहीं था। तो हम इसके एक्सटीरियर पे आते हैं। एक्सटीरियर पे सबसे पहले आपको यहाँ पे सिटी का एक मोनोग्राम मिल रहा है एज यूजुअल होंडा, और ये आई वी टेक इसका इंजन ग्रेड लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये है बड़ा बेस वेरियंट, तो इस पे जो इसमें ऑटोमेटिक है और इसमें प्रॉस्मेटिक लिखा हुआ होता है और दैट्स इट और एस्पायर वगैरह जो भी है। बाकी अगर आप इसके बैक पे बात कर लें तो इसकी जो ये चीज़ है ये बैक प्रोफाइल पे ये बड़ी अच्छी है, ये सेम आपको ना फ्रंट एंड का लुक फॉलो कर रहा है, उसका क्रोम का बैक पे भी दिया गया है। और इसके जो बैक लाइट्स हैं ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसके अंदर ही आपको रिवर्स लाइट नीचे मिल जाती है, ऊपर आपके साइड इंडिकेटर और ये इसके ब्रेक लैंप है वो वहाँ पे हैं। नीचे अगर आप नोट करें यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर मिल रहे हैं इसके दो, जो कि अच्छी चीज़ है। और यहाँ से रिफ्लेक्टर के साथ वाली प्लेसिंग थोड़ा सा ना इसको रफ लुक टफ करने के लिए। बाकी इस गाड़ी में अलॉयस नहीं आते थे, जेन्युइन व्हील कप ही आते थे लगे हुए टायर्स के साथ, वो आपको देख रहे हैं। सो हम इसके एक्सटीरियर पे मूव करते हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका गाड़ी की दिखा दूँ। इसमें हमें जो इमोबिलाइज़र मिलता था और कंपनी फिटेड ही जेन्युइन इमोबिलाइज़र आता था, तो हम लॉक करते हैं इसको, अनलॉक करके अंदर चलते हैं। सो वेलकम टू इंटीरियर जी। इंटीरियर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, उसमें आपको कोई भी ऐसा मतलब फील नहीं आएगा कि किसी आप मतलब के इसको बी सेगमेंट कैटेगरी में बैठे हुए और लो क्वालिटी की गाड़ी है, जैसे कि कुछ चाइनीज़ ब्रांड आजकल ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन इंटीरियर की क्वालिटी इतनी कोई अच्छी नहीं है। खैर इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले जिसका स्टेयरिंग है ये डिज़ाइन पसंद मुझे बड़ा पसंद है, ये पहले रिबॉन में भी सेम इसमें आता था, हॉन सिविक रिबॉन के अंदर भी वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, फिर इसमें भी दे दिया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिस है, आजकल के ज़माने के हिसाब से आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स नहीं मिलते, बाकी छोटा सा गोलू मोलू सा होंडा का वो मिल जाता है। बाकी इसमें जो इसमें ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमें इसके सेम लाइक इसके जो हेडलाइट कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे हम इसके वाइपर्स मिल जाते हैं। अगेन अगर हम इसके इसके मीटर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें इसका जिसे कहते हैं आप टैकोमीटर वो मिल जाता है, आरपीएम मीटर, ये हमें इसका एक्सेलरेशन मीटर, नॉर्मल स्पीडोमीटर, और यहाँ पे हमें इसकी फ्यूल गेज और यहाँ जितनी भी नेसेसरी ऑप्शन है वो यहाँ मिल जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देख रहे हैं आप जितने भी एक मतलब के जो इसमें इंडिकेशन हैं बैटरी का, इंजन चेक, ये फ्यूल का, मतलब सब कुछ आपको मिल रहा है। पर्सनली मुझे इसके जो इंटीरियर लाइट अप होता है ना वो इसकी जो ब्लू सी लाइट है ये बड़ी पसंद है। बाकी अगर आप आओगे नोट करें तो इसके अंदर इसकी क्वालिटी है गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे उससे ही है। और इसमें हमें टू टोन इंटीरियर मिल रहा है, एक हमें यहाँ पे ब्लैक, नीचे हमें बेज, ब्लैक बेज का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, थोड़ा सा इसमें सिल्वर टच भी है यहाँ पे अगर आप नोट करें। बाकी यहाँ पे इसके इन बिटवीन इसके यहाँ पे जो ग्रिल्स हैं उसकी बड़ा एक आयोनिक तो नहीं कह सकते, एक डिसेंट सा स्टाइल है इसका। यहाँ पे इन बिटवीन आपको हैज़र्ड ऑन ऑफ का, और ये इसमें क्योंकि ये बेस वेरियंट था तो इसमें हमें ये हेड यूनिट मिलता था, ठीक है ना, जिसमें आपको मैनुअली सब कुछ करना पड़ता। इसमें अगर वो एंड्रॉयड वाला जो था एंड्रॉयड वो हमें मिलता है ऑप्शन इसमें जो प्रॉस्मेटिक में, और इसमें जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसके अंदर। बाकी यहाँ पे हमें एसी कंट्रोल्स, जस्ट मैनुअल्स, रेयर, मतलब वही कन्वेंशनल बटन्स है, लेकिन ऑल दो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, इंप्रेसिव है कि इतनी जल्दी इतना इनका कलर फेड होता है ना कुछ होता है इनको, तो क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नीचे अगर आप नोट करें यहाँ पे ये हमें एस्ट्रे मतलब आप प्लेस कर सकते हैं कुछ भी, इसके वो दिया गया रिमोट का, और ये दो कप होल्डर्स हैं उसके साथ। यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन, ये गाड़ी 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती थी। पर्सनली इसके जो ट्रांसमिशन की जो वो है क्वालिटी है जिसे आप कहना है, जो इसका फील है वो बड़ी मज़े की है, ड्राइव बहुत मज़े की गाड़ी की। बाकी यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक्स मिलती है, और ये नीचे मेरा चाय का कप है, इसको किसी नज़र नहीं लगानी। तो अगर आगे हम मूव करें तो इधर हमें इसका आर्म रेस्ट, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी
जो सिविक 4 जनरेशन में उन्होंने ऐड कर दी। पहले एक छोटा सा आर्म रेस्ट आता था यहाँ पे, जो कि इतना ज़्यादा ना प्रैक्टिकल नहीं था मेरे ख्याल में, और उस पैसेंजर के लिए तो होता भी नहीं था, या किसी गाड़ी जो बहुत पहले के वेरियंट था, कुछ आगे आने लग गया था। लेकिन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था कि आप अंदर कुछ चीज़ें भी प्लेस कर लो, कुछ तो होना चाहिए ना अंदर। बाकी अगर आप नोट करें, जो चीज़ पर्सनली मैं मिस करता हूँ ना इस गाड़ी के अंदर, आपको सेफ्टी फीचर्स में कोई आपको लायक है इसमें, कोई आपको एयरबैग नहीं मिलता, जो कि एक बड़ा ड्रॉबैक है इस गाड़ी का। हालांकि 2021 तक आती रही है, इसमें कोई एयरबैग नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर आपको कोई भी फीचर जो आजकल ज़रूरी है, हिल स्टार्ट असिस्ट, इको, आइडल, कुछ भी नहीं है इसमें ना आपको। बिल्कुल सिंपल सी प्लेन सी गाड़ी है, इसमें सादा सी जो फीचर्स हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको जस्ट आपको जो मिरर कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं, पावर मिरर्स हैं, और इसमें डिटेक्टेबल मिरर भी है। चलें, ये एक अच्छा पॉइंट है। चाइल्ड लॉक है, ऑटो है जस्ट वन जो ड्राइवर साइड का, बाकी ऑटो नहीं है। बाकी आपको फॉग लैम्प का बटन मिल जाता है, दैट्स इट। बाकी दैट्स इट, और कोई आपको जो सेफ्टी वाइज फीचर वो आपको नहीं मिलता। बाकी के दिन ऊपर नोट करें तो यहाँ पे हमें नो वैनिटी मिरर, सॉरी, कुछ भी नहीं है। डिमिंग, ऑटो डिमिंग नहीं है। हाँ, ऑल दो इसकी जो कुशनिंग है सीट्स की वो काफ़ी अच्छी है, वेलकमिंग है। इसका हेडरेस्ट बहुत अच्छा है गाड़ी का। बाकी इसके अंदर आप नोट करें तो हल्का सा आपको ना एक थोड़ा सा ना फैब्रिक का टच दिया गया डोर्स में, और यहाँ पे भी आपको वो सिल्वर सी एक टच नज़र आ रहा होगा जैसे गाड़ी के एक्सटीरियर में है पड़ा। अगेन यहाँ पे भी आपके, बाकी गाड़ी कुशनिंग अच्छी है, गाड़ी कंफर्टेबल है, लेकिन उसके सेफ्टी वाइज बिल्कुल जीरो है। सो मूव करते हैं हम इसके बैक सीट्स पे, वहाँ पे हम इसके हेडरेस्ट चेक करते हैं, हेडरेस्ट कितना है और कितने लोग बैठ सकते हैं इजीली। लेट्स गो। इसमें जो बूट है वो ऑटो बूट नहीं है, या आप अंदर से ओपन कर सकते हैं या ये मैनुअल बूट का ऑप्शन है पूरा। बाकी इस गाड़ी के जो बूट की कैपेसिटी है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसमें आपको जो स्पेसिंग है, मतलब कि स्टोरेज 503 लीटर ऑफ अपने लिए की सबसे ज़्यादा वो स्टोरेज है। इसमें एक फुल टायर, स्पेयर टायर फुल साइज मिल जाता है आपको, बाकी टूल किट वगैरह मतलब जो ऑप्शन जैसे हैं। बाकी स्टोरेज इस गाड़ी में अपने लिए की सबसे बेस्ट है, 506, जो और किसी उसमें नहीं है। एक और चीज़ मिस है इसमें, आपको एक बूट लैंप होना चाहिए, जो इसके कंपेटिटर में टोयोटा में है आपके पास। बाकी इस गाड़ी के जो फ्यूल एवरेज की बात है, ये गाड़ी विद इन अ सिटी हमें अराउंड अबाउट 12-13 देती है विद इन अ सिटी, अगर आप इसको लाइट फुट से चलाएं। और ऑन हाईवे ये गाड़ी आराम से 18-17, मतलब अबव 16 देती है, 17-18 तक अगर आप इसको लाइट फुट से चलाएं और स्पीड लिमिट में चलाएं, मतलब ये बड़ी लॉन्ग पे आपको बहुत ही इम्प्रेसिव माइलेज देती है। सो अगर आप ये गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी प्लेस कर दूंगा, और आप कॉल करके गाड़ी की डिटेल्स भी ले सकते हैं। गाड़ी की जो मार्केट प्राइस है वो अराउंड 34-35 लाख है, ठीक है ना। अभी डिपेंड करता है गाड़ी की क्या कंडीशन है और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ना। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। चला फिर मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।